नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 12 सितंबर है और आज सैटरडे का दिन रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9:15 से लेकर के 10:44 तक का है। इसी के साथ अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और आद्रा नक्षत्र रहेगा। सूर्य जो है वो सिंह राशि में है और चंद्रमा मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। राशियों की हम बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि। एरीज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 6 of Cups एंड 2 of Pentacles। आप लोगों के लिए आज घर परिवार का जो वातावरण रहेगा वो आप लोगों के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि आज के दिन में हर कोई आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। इसके अलावा आत्मविश्वास मनोबल बना हुआ रहेगा। सरकारी काम जो है वो समय पर पूरे हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण आज के दिन में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। उपाय के रूप में आज पीपल के पेड़ के जड़ में दोनों हाथ इस तरह से लगा करके उसके बाद आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद 7 परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरेंस। 8 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज का दिन जो है रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। हालांकि सुधार भी होगा, लेकिन इनिशियली हो सकता है एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजन्स आपको हो जाए। भूमि भवन का काम जो है वो समय पर आज के दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे को लेकर के सावधानी जरूर बरतिएगा। किसी विवाद विवाद में आज के दिन में नहीं पड़े तो बेहतर है। सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। इसके अलावा निवेश से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। उपाय के रूप में आज के दिन में सुबह उठकर के शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। द सन एंड द हाई प्रीस्टेस रिवर्स कार्ड निकल रहा है। पारिवारिक स्थितियां जो है वो आज के दिन में आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगी। किसी कष्ट या बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। किसी मेहमान के आगमन से आज के दिन मन में प्रसन्नता भी रहेगी और साथ ही में बातचीत के दौरान आज कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अधिकारी जो है उनकी तरफ से पूरा सहयोग नजर आ रहा है। आज घर के उत्तर पश्चिम दिशा में कोशिश कीजिएगा एक मिट्टी के बर्तन में कुछ सिक्के डालकर कि आप जरूर रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में आय में वृद्धि होगी, साथ ही में जो रुका हुआ पैसा था कहीं पर वो वापस जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। 8 of Swords एंड द चैरियट कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में मेहनत और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। व्यवसाय की स्थिति में आज सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। राजकीय काम जो है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से पूरे हो जाएंगे। उपाय के रूप में आज संध्या काल के समय कोशिश कीजिएगा शमी के वृक्ष में दीपक जरूर जलाएं। सिंह राशि की बात करते हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकलते हैं 8 of Swords एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। आज का दिन में रोजगार की उचित अवसर आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च अधिकारी जो है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। जिम्मेदारियों को आज बखूबी निभाएंगे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक आपकी सराहना कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले थे वो आज के दिन में निपट सकते हैं। पानी में कपूर डाल करके उसे स्नान कीजिएगा, ऐसा करने से स्ट्रेस खत्म होगा। कन्या राशि, 5 of Swords एंड स्टार कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं उसे टाल देना बेहतर होगा। आज काम की अधिकता बढ़ सकती है, जिसकी वजह से सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि आज काम के लिए समय ज़रूर निकालें, लेकिन साथ ही साथ में सेहत का ध्यान भी रखें। किसी ऐसी प्रिय वस्तु के या किसी ज़रूरी काम की चीज़ की गुम हो जाने की वजह से थोड़ा सा टेंशन रहेगी, तो इसलिए अपनी चीज़ों को संभाल करके रखिएगा। खान पीन में आज रुचि बढ़ सकती है। समाज के कार्य में आज बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेंगे। उपाय के रूप में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। हो सके तो रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। तुला राशि, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स कार्ड निकलता है। आप लोगों के लिए आज नई योजनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक तरीका आप लोग जरूर निकालेंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए आज एक रिस्पेक्ट वाला जो इमोशन है वो आज ज़रूर रहेगा। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। आज शत्रु परास्त होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, परेशानी में कमी आएगी। वृश्चिक राशि, 5 of Pentacles एंड 2 of Cups कार्ड निकलता है। नौकरी में प्रमोशन का योग नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। घर परिवार में एक तरीके से बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है। संतान की उपलब्धियों से प्रसन्नता बढ़ेगी। सेहत जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आज शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए 3 of Wands एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आज का दिन में धनु राशि वाले लोग खासतौर पर व्यापार में आप लोगों के लिए नए
अनुबंध हो सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वाहन के रखरखाव के ऊपर आप लोग खर्चा कर सकते हैं। आज शमी के वृक्ष में दीपक जलाना अच्छा रहेगा, निवेश करने से बचना बेहतर है क्योंकि आज के दिन किया गया निवेश आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि का। आज निकल रहे हैं 7 of Pentacles एंड 9 of Pentacles। आप लोगों के लिए सेहत के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा क्योंकि आज के दिन में सेहत थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है। व्यापार में आप लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने की से चिंताएं बढ़ सकती हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन जो है आज वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोर्ट केस में आज अड़चने आ सकती हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। गुप्त शत्रु जो है वो अचानक से सक्रिय हो सकते हैं, नए संपर्कों से लाभ जरूर होगा। सुंदरकांड का पाठ करना आज अच्छा रहेगा। कुंभ राशि का आज निकलते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 of Wands। कुंभ राशि वाले लोग खासतौर पे आज मित्रों से काफ़ी हद तक अपेक्षित सहयोग जो है वो मिल सकता है। आप लोग जितनी उम्मीदें लगा रहे हैं वो उम्मीदें आप लोगों के लिए पूरी भी होंगी। अनावश्यक क्रोध से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यापार में उतार चढ़ाव जो है वो नज़र आ रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक आप चीज़ों को स्टेबलाइज ज़रूर कर लेंगे। आज नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इसके लिए आज नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। इसके अलावा आज ओम मंत्र का चांटिंग करना अच्छा रहेगा। जल में चीनी और साथ ही में काले तिल मिला करके आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाना आज अच्छा है। मीन राशि, द टार एंड द एम्प्रर कार्ड निकल रहा है। आज का दिन व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। युवाओं के लिए करियर में खास चुनाव आप लोग कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ में कुछ विकल्प भी नज़र आ रहे हैं। निवेश में लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। आज शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ 12 राशियों के हाल के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।